I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो गाइस एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जोनाथन गेमिंग के ग्राफिक सेटिंग्स जो जिस ग्राफिक पे हो वो खेलता है मोस्ट ऑफ द केसेस सारे प्लेयर जो कि सभी प्लेयर जो BGMI और पबजी खेलते हैं ठीक है उन वो इसी ग्राफिक पे खेलते हैं क्योंकि यही सबसे बढ़िया ग्राफिक है। पहले आप जोनाथन के ग्राफिक देख लिए उसके बाद मैं ब्रीफली आपको समझाता हूँ। सही है रे, ये मतलब आईपैड भी क्या मतलब पूरा आईपैड जैसा भी होता है क्या इसका बताओ जरा। सबसे सही नहीं है रे, थोड़ा कम करना ही पड़ेगा। अपन इसको 88 रख सकते हैं। देखो सेटिंग्स में गया, अरे किधर होता है रे, हाँ समझ गया। देखो ये मेरे ग्राफिक्स है, जिसको भी देखना है रुक जाओ। देखो गाइज ये मेरा है ग्राफिक्स जो भी है, जो भी पहला था ठीक है, जो भी सेम है, और कंट्रोल को ठीक है कंट्रोल्स में आया मैं। तो आपने वीडियो देख ही ली, अब मैं आपको खुद बताता हूँ कि उसकी ग्राफिक सेटिंग्स क्या है जोनाथन के। तो जोनाथन जो खेलता है वो स्ट्रीम एक्सट्रीम पे खेलता है, जो स्मूथ ग्राफिक है वो स्मूथ होते हैं और एक्सट्रीम पे फ्रेम रेट होता है। स्टाइल जो है वो सॉफ्ट होता है जोनाथन का। जनरल सेटिंग एंटी एनालिस्टिक जो कि है वो ऑन होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है ठीक है। कलर ब्रांड आप जो भी रखना चाहो, ब्राइटनेस उसकी जो है 120-130 के करीब रहती है, ऑन स्टैंड स्क्रीन ये 50 रहती है, और एंटी एडजस्ट ग्राफिक भी उसका ऑन रहता है, लेकिन मैं इसे ऑफ रखता हूँ क्योंकि क्या मतलब कि अगर आपका फ़ोन हीट हो जाए ज़्यादा, मतलब वो हीट मारना चाहे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके फ्रेम रेट को नीचे ले जाएगा। जैसे देखा होगा कि आपने किसी के फ्रेम चलते चलते उसकी ब्राइटनेस लो हो जाती है या कुछ और हो जाता है, तो उसका रीज़न यही होता है। इसे मैं ऑफ रखता हूँ और दैट्स इट। तो यही है जोनाथन के ग्राफिक, होप आपको समझ आए हो और आपने वीडियो भी देखी है जोनाथन की, उसने खुद ही ये बताए हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।